नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के पंचकुला में 17 अक्टूबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के साथ अन्य मंत्री भी पद एवं गोपनीयता के लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। आज शाम को लाल किला परिसर में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं से संगठित होने का किया आह्वान। आरजीकर अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के अपराधियों को संरक्षण देने पर भी साधा निशाना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर आज से पंजीकरण शुरू। योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप को देंगी अवसर। और हरियाणा के कैथल में मुंद्री गांव के पास एक बड़ी कार दुर्घटना में दशहरा मेले में जा रहे एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक जताया, कहा सड़क हादसा हृदय विदारक। और अब विस्तार से समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के समारोह में शामिल होने की खबर है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। हरियाणा के कैथल के मुंद्री गांव के पास में एक बड़ी कार दुर्घटना हो गई है। कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर घायल हो गया है, वहीं एक लड़की लापता है। कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोग दशहरा मेले में जा रहे थे। हरियाणा के DSP ललित कुमार ने बताया कि बचाव अभियान जारी है, साथ ही दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। डीग परिवार के एक परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाणा में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है। अभी कंफर्म नहीं हो सका है, हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। हरियाणा के कैथल के मुद्री गांव के पास एक कार दुर्घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, हरियाणा के कैथल में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को पायलट आधार पर ये लॉन्च किया गया इंटर्नशिप पोर्टल आज आवेदकों द्वारा पंजीकरण से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। पायलट प्रोजेक्ट की कुल लागत 800 करोड़ रुपए है। सरकार का लक्ष्य 21 से 24 वर्ष की आयु के
एक करोड़ उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि में इंटर्नशिप प्रदान करना है। एक प्रशिक्षु को 12 महीने तक 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और 6,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीआरओ द्वारा 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इस वर्चुअल बैठक में सैन्य अधिकारियों के साथ कई राज्यों के मंत्री उपस्थित रहे। इन परियोजनाओं का निर्माण बीआरओ द्वारा 2,236 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य विविध परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक सिक्किम में कुपुप शेरा थांग रोड है, जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग और जुलुक एक्सिस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। इसे दूरदराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सशस्त्र बलों की गतिशीलता बेहतर होगी। ये परियोजनाएँ भारत चीन सीमा पर सैन्य लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। इसके साथ ही इस वर्ष बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संख्या 111 हो गई है, जिसकी लागत बढ़कर 3,751 करोड़ रुपए हो गई है। 2023 में कुल 3,611 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 125 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली सियाचिन एयरबेस से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होते हुए नवंबर के मध्य में दिल्ली में समाप्त होगी। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में भारतीय वायुसेना के उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आधिकारिक आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। साथ ही स्वामी ज्ञानानंद महाराज और स्वामी धर्मदेव सहित कई धर्मगुरु भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज विजयदशमी के अवसर पर लाल किला परिसर में रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा, विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। ये अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। ये त्यौहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया और कहा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ विजयदशमी मनाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने सुकना कैंट में जवानों के माथे पर तिलक लगाया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। मैं आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर पीठ की परंपरा अनुसरण करते हुए श्रीनाथ जी भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना की। इसी के साथ उन्होंने विधि विधान से श्रीनाथ जी की आरती उतारी। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में आज विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्मभूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन भी उपस्थित रहे। 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता रेप कांड को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच सांठगांठ होने के कारण इस तरह की घटनाओं को शह मिलती है। कलकत्ता में जो हुआ अर्जीकर अस्पताल में लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है घटना, होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई। बांग्लादेश में क्या हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार में विजयदशमी के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा की। विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करना राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक के रूप में हथियारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस मौके पर प्रदेश मंत्री ने विधि विधान के साथ साथ कलश पूजा के साथ अनुष्ठान किया। महाराष्ट्र में दशहरे के अवसर पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। आज दोनों ही गुट दशहरा रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की दशहरा रैली का ऐतिहासिक महत्व है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़ गए हैं और हिंदुत्व को छोड़ दिया है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। शिवसेना की जो दशहरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दशहरा रैली को संबोधित किया करते हैं, और जब बाला साहब जी दशहरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिवसैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते थे। खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टिकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है, तो शिवाजी पार्क की रैली में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे।
कानपुर नगर के शिवाला में उत्तर भारत में लंकेश रावण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। आज विजयदशमी की सुबह मंदिर के कपाट खोले गए और साफ सफाई के बाद मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान से रावण का जलाभिषेक श्रृंगार और पूजन श्रृंगार किया गया। लगभग 200 वर्ष पुराने दशानन मंदिर में लंकापति रावण देवी देवताओं के पहरेदार के रूप में विराजित हैं। रावण को तरोई के फूल के साथ सरसों के तेल का दीपक अर्पित किया जाता है। सुबह मंदिर खोलने के साथ ही रावण का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। रावण विद्वान पंडित होने के साथ ही भगवान शिव का परम भक्त था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रावण की विद्वानता की पूजा करने आते हैं और रावण से बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद लेते हैं। अंत में शाम को दशानन का मंदिर पूरे साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मैं पिछले 10 साल से बाबा का स्थित करने आता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, अपने पूरे परिवार इस क्षेत्र के साथ में दोस्तों के साथ आता हूँ। लोगों ने सवाल किया तुम रावण की पूजा क्यों करते हो? मैं रावण की पूजा इनकी बल बुद्धि विद्या की करता हूँ। और जो पुतला जलाते हैं, लोगों का पुतला भी जलाते हो तो पुतला इनका अहंकार कर जलाते हो। ये रावण का मंदिर जो साल में एक बार खुलता है दशहरे वाले दिन, उसका दर्शन करने आया। विविधताओं से भरे भारत में किसी भी त्यौहार की खूबसूरती तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक ही त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों के साथ पूरे उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। और दशहरा यानी विजयदशमी का त्यौहार ऐसा ही एक त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देश भर में मनाए जाने वाले दशहरा के विभिन्न और मनमोहक रूप देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाया जाता है दशहरा। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की विविधता उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है। कुल्लू का दशहरा देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग कुल्लू में एकत्रित होते हैं। कुल्लू के दशहरे में ना तो रामलीलाएं होती हैं और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। इस मौके पर कुल्लू के विशाल मैदान में रघुनाथ जी का दरबार लगता है और कुल्लू घाटी के लोग अपने अपने देवी देवताओं का रथ सजाकर पैदल ही रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचते हैं। दशहरे के दिन कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। खास बात यह है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन देश भर में दशहरा मनाए जाने के साथ ही इस उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 17वीं सदी में राजा जगत सिंह ने की थी। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा देश विदेश में मशहूर है। मैसूर के दशहरे में माँ दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर, जिसके नाम पर मैसूर का नाम पड़ा, एक दुष्ट राक्षस था जिसका देवी चामुंडेश्वरी ने वध किया। 10 दिन तक चलने वाले विजयदशमी उत्सव की शुरुआत चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना से होती है। दशहरे के दिन हाथी, घोड़े और सजे हुए रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे देश में मशहूर है। यहाँ दशहरे के दिन काफी अलग अंदाज में देवी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि को लेकर पूरे बंगाल में खास तैयारियां की जाती हैं। बंगाल की पूजा में ढाक के संगीत पर आरती का विशेष आकर्षण दिखता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग माँ को विदाई देने के लिए पूजा पंडालों में पहुँचते हैं। इस मौके पर महिलाएं आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। सिंदूर खेला के बाद माता का विसर्जन किया जाता है। गुजरात में दशहरे से पहले आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि उत्सव वहाँ का सबसे रंग बिरंगा पर्व माना जाता है। रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से नवरात्रों की सभी 9 रातों को गरबा के नृत्य में शामिल होते हैं।
दशहरे की शाम यहाँ रावण के पुतलों को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। नवरात्रों में यहाँ एक अन्य परंपरा भी प्रचलित है, मिट्टी के घड़ों में छिद्र करके उसमें दिए जलाकर इन मटकों को लोग अपने अपने मोहल्ले के मुख्य चौराहों पर लटका देते हैं। पूरे उत्तर भारत में रावण को अधर्म और भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला जलाकर अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाते हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है। विशेषकर दिल्ली में रामलीला की खूब धूम होती है और बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी यहाँ की रामलीला में भाग लेते हैं। दशहरे के दिन रावण के वध के साथ रामलीला का समापन होता है। इस तरह दशहरे का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि कई हिस्सों में इसे मनाने के अपने अपने तरीके और परंपराएं हैं, लेकिन सबका आशय एक ही है, अधर्म पर धर्म की विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। इस संग्रह में 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर शामिल है। विभाग ने गुरुवार तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी कर दिया है। अमेरिका ने इसराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी तत्काल बंद करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइली सेना द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाइयों को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अड्डे पर इसराइली बलों ने गोलीबारी की थी। इसमें बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर वो चिंतित है। भारत ने ब्लू लाइन के साथ बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो लेबनान को इसराइल और गोलान हाइट्स से अलग करने वाली 120 किलोमीटर लंबी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा रेखा है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र परिसरों की अविच्छेदता का सम्मान करने और शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ उतरेगी। हैदराबाद के पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश इस पूरे दौरे में अपनी पहली जीत तलाश करने की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। भारत में 13 से 18 अक्टूबर तक होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 37 देशों के 132 निशानेबाज इस प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेरेंगे। पूर्व निशानेबाज रोंजन सोढ़ी ने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत शूटिंग विश्व कप फाइनल की मेजबानी कर रहा है, इससे देश में शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। रोंजन सोढ़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। 13 से 18 अक्टूबर को ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत दिल्ली में होने वाली है और इसकी मेज़बानी भारत करने जा रहा है। रंजन सिंह सोढ़ी फॉर्मर शूटर हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा नाम रहे अपने टाइम में और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अभी तक के अपने सफ़र को देखा। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिहाज से फिर दोबारा हम लोग इतना बड़ा इवेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है? मैं बताता हूँ, दूसरी बार हो रहा है वर्ल्ड कप फाइनल, एक बार पहले भी हुआ है, बट इस बार बहुत बड़ा माहौल इस करके मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑल द ओलंपिक मेडलिस्ट यू नो आर हियर। जो ओलंपिक पेरिस में जीते हैं मेडलिस्ट सारे यहाँ आ रहे हैं, तो इतने ओलंपिक मेडलिस्ट कभी इंडिया में एक बार इकट्ठे नहीं हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर फेडरेशन एंड फॉर द कंट्री टू गेट दिस वर्ल्ड कप फाइनल टू इंडिया एंड ऑन अ ईयर ऑफ द ओलंपिक्स। अभी जूनियर टीम पेरू में खेल के आई, उसका भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, एक अलग सा माहौल बना हुआ है शूटिंग को लेकर के इस ओलंपिक में, चाहे पैरा हो या हमारे नॉर्मल एथलीट जो खेल के आए, एक माहौल बदल दिया। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि देखो यू नो वी आर वेरी गुड इन स्किल स्पोर्ट्स, आर्चरी होए,
शूटिंग होए, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस, जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है तो वहाँ वी आर वेरी वेरी गुड, वी वर्ल्ड बीटर्स। 24 मेडल्स आए हैं अपना पेरू में, अभी जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सो शूटिंग इज ऑन अप स्केल एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू द फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इतने पैसे खर्चे खेलो इंडिया स्कीम वगैरह, जो भी आप पूछिए, मतलब हर कुछ, मतलब किसी एथलीट से आप पूछिए, कुछ कमी नहीं है। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं होता था, एम्यूनेशन नहीं होता था, गन नहीं होती थी, अब सब कुछ अवेलेबल है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। रंजन जी, आपके टाइम से और अभी तक के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो शूटिंग को किस लेवल तक आप देख रहे हैं? हर एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी अब शूटर्स की बात करता है, रिकॉग्निशन बहुत बड़ा हो गया। मैं बताऊं, अगर किसी स्पोर्ट में मेडल आ रहे हैं तो अब देखो 6 मेडल आए, 3 शूटिंग में आए पेरिस में, तो हर कोई शूटिंग की बात कर रहा है या मनु भाकर की बात कर रहा है। पहले भी यू नो, पहला मेडल जो सिल्वर इंडिविजुअल आया कल राठौर का आया था, उसके बाद गगन हो गए, अभिनव हो गए, गोल्ड मेडल आया। तो अब देखिए, मतलब जब मेडल आते हैं तो लोग पूछते हैं, तो क्रिकेट के अलावा और भी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि आइए और शूटिंग ज्वाइन करिए और जीतिए। बिल्कुल, शूटिंग ज्वाइन करिए और जीतिए। और जिस तरह का यहाँ माहौल है, अगले 3-4 दिन बहुत शानदार माहौल होने वाला है, क्योंकि कर्णी सिंह जो है वो बहुत ही बड़ी रेंज है और बड़ी ख्याति प्राप्त रेंज है। रंजन सिंह जैसे कई नाम से शूटर यहाँ से निकल करके आए हैं और देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कैमरन मो यूके के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के पंचकुला में 17 अक्टूबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के साथ अन्य मंत्री भी पद एवं गोपनीयता के लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल।
देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। आज शाम को लाल किला परिसर में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरएसएस सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं से संगठित होने का किया आह्वान। आरजीकर अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के अपराधियों को संरक्षण देने पर भी साधा निशाना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर आज से पंजीकरण शुरू। योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप को देंगी अवसर। और हरियाणा के कैथल में मुंद्री गांव के पास एक बड़ी कार दुर्घटना में दशहरा मेले में जा रहे एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक जताया, कहा सड़क हादसा हृदय विदारक। और अब विस्तार से समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के समारोह में शामिल होने की खबर है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोड हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। हरियाणा के कैथल के मुंद्री गांव के पास में एक बड़ी कार दुर्घटना हो गई है। कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर घायल हो गया है, वहीं एक लड़की लापता है। कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोग दशहरा मेले में जा रहे थे। हरियाणा के DSP ललित कुमार ने बताया कि बचाव अभियान जारी है, साथ ही दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। डीग परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाणा में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है। अभी कंफर्म नहीं हो सका है, हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। हरियाणा के कैथल के मुद्री गांव के पास एक कार दुर्घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, हरियाणा के कैथल में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को पायलट आधार पर ये लॉन्च किया गया इंटर्नशिप पोर्टल आज आवेदकों द्वारा पंजीकरण से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। पायलट प्रोजेक्ट की कुल लागत 800 करोड़ रुपए है। सरकार का लक्ष्य 21 से 24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि में इंटर्नशिप प्रदान करना है। एक प्रशिक्षक को 12 महीने तक 5,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता और 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान मिलेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीआरओ द्वारा 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इस वर्चुअल बैठक में सैन्य अधिकारियों के साथ कई राज्यों के मंत्री उपस्थित रहे। इन परियोजनाओं का निर्माण बीआरओ द्वारा 2,236 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य विविध परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक सिक्किम में कुपुप शेरा थांग रोड है, जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग और जुलुक एक्सेस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। इसे दूरदराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सशस्त्र बलों की गतिशीलता बेहतर होगी। ये परियोजनाएं भारत चीन सीमा पर सैन्य लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। इसके साथ ही इस वर्ष बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संख्या 111 हो गई है, जिसकी लागत बढ़कर 3,751 करोड़ रुपए हो गई है। 2023 में कुल 3,611 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 125 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली सियाचिन एयरबेस से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होते हुए नवंबर के मध्य में दिल्ली में समाप्त होगी। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में भारतीय वायुसेना की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आधिकारिक आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। साथ ही स्वामी ज्ञानानंद महाराज और स्वामी धर्मदेव सहित कई धर्मगुरु भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज विजयदशमी के अवसर पर लाल किला परिसर में रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा, विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। ये अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। ये त्यौहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया और कहा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ विजयदशमी मनाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने सुकना कैंट में जवानों के माथे पर तिलक लगाया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। मैं आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर पीठ की परंपरा अनुसरण करते हुए श्रीनाथ जी भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना की। इसी के साथ उन्होंने विधि विधान से श्रीनाथ जी की आरती उतारी।
नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में आज विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन भी उपस्थित रहे। 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता रेपकांड को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच सांठगांठ होने के कारण इस तरह की घटनाओं को शह मिलती है। कलकत्ता में जो हुआ अर्जीकर अस्पताल में लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है घटना, होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से तालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई। बांग्लादेश में क्या हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार में विजयदशमी के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा की। विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करना राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक के रूप में हथियारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस मौके पर प्रदेश मंत्री ने विधि विधान के साथ साथ कलश पूजा के साथ अनुष्ठान किया। महाराष्ट्र में दशहरे के अवसर पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। आज दोनों ही गुट दशहरा रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की दशहरा रैली का ऐतिहासिक महत्व है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़ गए हैं और हिंदुत्व को छोड़ दिया है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। शिवसेना की जो दशहरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दशहरा रैली को संबोधित किया करते हैं, और जब बाला साहब जी दशहरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिवसैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते थे। खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टिकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है, तो वो शिवाजी पार्क की रैली में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कानपुर नगर के शिवाला में उत्तर भारत में लंकेश रावण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। आज विजयदशमी की सुबह मंदिर के कपाट खोले गए और साफ सफाई के बाद मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान से रावण का जलाभिषेक श्रृंगार और पूजन श्रृंगार किया गया। लगभग 200 वर्ष पुराने दशानंद मंदिर में लंकापति रावण देवी देवताओं के पहरेदार के रूप में विराजित हैं। रावण को तरोई के फूल के साथ सरसों के तेल का दीपक अर्पित किया जाता है। सुबह मंदिर खोलने के साथ ही रावण का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। रावण विद्वान पंडित होने के साथ ही भगवान शिव का परम भक्त था।
बड़ी संख्या में लोग यहाँ रावण की विद्वानता की पूजा करने आते हैं और रावण से बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद लेते हैं। अंत में शाम को दशानन का मंदिर पूरे साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मैं पिछले 10 साल से बाबा का स्थित करने आता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, अपने पूरे परिवार इस क्षेत्र के साथ में दोस्तों के साथ आता हूँ। लोगों ने सवाल किया तुम रावण की पूजा क्यों करते हो, मैं रावण की पूजा इनकी बल बुद्धि विद्या की करता हूँ। और जो पुतला जलाते हैं, लोगों का पुतला भी जलाते हो तो पुतला इनका अहंकार कर जला। और ये रावण का मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है दशहरे वाले दिन, उसका दर्शन करने आया। विविधताओं से भरे भारत में किसी भी त्यौहार की खूबसूरती तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक ही त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों के साथ पूरे उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। और दशहरा यानी विजयदशमी का त्यौहार ऐसा ही एक त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देश भर में मनाए जाने वाले दशहरा के विभिन्न और मनमोहक रूप देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाया जाता है दशहरा। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की विविधता उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है। कुल्लू का दशहरा देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग कुल्लू में एकत्रित होते हैं। कुल्लू के दशहरे में ना तो रामलीलाएं होती हैं और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। इस मौके पर कुल्लू के विशाल मैदान में रघुनाथ जी का दरबार लगता है और कुल्लू घाटी के लोग अपने अपने देवी देवताओं का रथ सजा कर पैदल ही रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचते हैं। दशहरे के दिन कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। खास बात यह है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन देश भर में दशहरा मनाए जाने के साथ ही इस उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 17वीं सदी में राजा जगत सिंह ने की थी। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा देश विदेश में मशहूर है। मैसूर के दशहरे में माँ दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर, जिसके नाम पर मैसूर का नाम पड़ा, एक दुष्ट राक्षस था जिसका देवी चामुंडेश्वरी ने वध किया। 10 दिन तक चलने वाले विजयदशमी उत्सव की शुरुआत चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना से होती है। दशहरे के दिन हाथी, घोड़े और सजे हुए रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे देश में मशहूर है। यहाँ दशहरे के दिन काफी अलग अंदाज में देवी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि को लेकर पूरे बंगाल में खास तैयारियाँ की जाती हैं। बंगाल की पूजा में ढाक के संगीत पर आरती का विशेष आकर्षण दिखता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग माँ को विदाई देने के लिए पूजा पंडालों में पहुँचते हैं। इस मौके पर महिलाएं आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। सिंदूर खेला के बाद माता का विसर्जन किया जाता है। गुजरात में दशहरे से पहले आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि उत्सव वहाँ का सबसे रंग बिरंगा पर्व माना जाता है। रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से नवरात्रों की सभी 9 रातों को गरबा के नृत्य में शामिल होते हैं। दशहरे की शाम यहाँ रावण के पुतलों को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। नवरात्रों में यहाँ एक अन्य परंपरा भी प्रचलित है। मिट्टी के घड़ों में छिद्र करके उसमें दिए जलाकर इन मटकों को लोग अपने अपने मोहल्ले के मुख्य चौराहों पर लटका देते हैं। पूरे उत्तर भारत में रावण को अधर्म और भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ
और कुंभकर्ण का पुतला जलाकर अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाते हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है। विशेषकर दिल्ली में रामलीला की खूब धूम होती है और बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी यहाँ की रामलीला में भाग लेते हैं। दशहरे के दिन रावण के वध के साथ रामलीला का समापन होता है। इस तरह दशहरे का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि कई हिस्सों में इसे मनाने के अपने अपने तरीके और परंपराएं हैं, लेकिन सबका आशय एक ही है, अधर्म पर धर्म की विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। इस संग्रह में 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर शामिल है। विभाग ने गुरुवार तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी कर दिया है। अमेरिका ने इसराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी तत्काल बंद करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइली सेना द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाइयों को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अड्डे पर इसराइली बलों ने गोलीबारी की थी। इसमें बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर वो चिंतित है। भारत ने ब्लू लाइन के साथ बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो लेबनान को इसराइल और गोलान हाइट्स से अलग करने वाली 120 किलोमीटर लंबी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा रेखा है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र परिसरों की अविच्छेदता का सम्मान करने और शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ उतरेगी। हैदराबाद के पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश इस पूरे दौरे में अपनी पहली जीत तलाश करने की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। भारत में 13 से 18 अक्टूबर तक होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 37 देशों के 132 निशानेबाज इस प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेरेंगे। पूर्व निशानेबाज रोंजन सोढ़ी ने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत शूटिंग विश्व कप फाइनल की मेजबानी कर रहा है। इसे देश में शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। रोंजन सोढ़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। 13 से 18 अक्टूबर को ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत दिल्ली में होने वाली है और इसकी मेज़बानी भारत करने जा रहा है। रंजन सिंह सोढ़ी फॉर्मर शूटर हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा नाम रहे अपने टाइम में और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अभी तक के अपने सफ़र को देखा। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिहाज से फिर दोबारा हम लोग इतना बड़ा इवेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है? मैं बताता हूँ, दूसरी बार हो रहा है वर्ल्ड कप फाइनल, एक बार पहले भी हुआ है, बट इस बार बहुत बड़ा माहौल इस करके मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑल द ओलंपिक मेडलिस्ट यू नो आर हियर। जो ओलंपिक पेरिस में जीते हैं मेडलिस्ट सारे यहाँ आ रहे हैं, तो इतने ओलंपिक मेडलिस्ट कभी इंडिया में एक बार इकट्ठे नहीं हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आर फेडरेशन एंड फॉर द कंट्री टू गेट दिस वर्ल्ड कप फाइनल टू इंडिया एंड ऑन अ ईयर ऑफ द ओलंपिक्स। अभी जूनियर टीम पेरू में खेल के आई, उसका भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, एक अलग सा माहौल बना हुआ है शूटिंग को लेकर के इस ओलंपिक में, चाहे पैरा हो या हमारे नॉर्मल एथलीट जो खेल के आए, एक माहौल बदल दिया। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि देखो यू नो वी आर वेरी गुड इन स्किल स्पोर्ट्स, आर्चरी होए, शूटिंग होए, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस, जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है तो वहाँ वी आर वेरी वेरी गुड, वी वर्ल्ड बीटर्स। 24 मेडल्स आए हैं अपना पेरू में, अभी जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सो शूटिंग इज ऑन अप स्केल एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू द फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इतने पैसे खर्चे हैं खेलो इंडिया स्कीम वगैरह, जो भी आप पूछिए, मतलब हर कुछ, मतलब किसी एथलीट से आप पूछिए कुछ कमी नहीं है। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं होता था, एम्यूनेशन नहीं होता था, गन नहीं होती थी, अब सब कुछ अवेलेबल है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में।
लेकिन रंजन जी, आपके टाइम से और अभी तक के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो शूटिंग को किस लेवल तक आप देख रहे हैं? हर एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी अब शूटर्स की बात करता है, रिकॉग्निशन बहुत बड़ा हो गया। मैं बताऊं, अगर किसी स्पोर्ट में मेडल आ रहे हैं तो अब देखो 6 मेडल आए, 3 शूटिंग में आए पेरिस में, तो हर कोई शूटिंग की बात कर रहा है या मनु भाकर की बात कर रहा है। पहले भी यू नो, पहला मेडल जो सिल्वर इंडिविजुअल आया कर्ण राठौर का आया था, उसके बाद गगन हो गए, अभिनव हो गए, गोल्ड मेडल आया। तो अब देखिए, मतलब जब मेडल आते हैं तो लोग पूछते हैं, तो क्रिकेट के अलावा और भी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि आइए और शूटिंग ज्वाइन करिए और जीतिए। बिल्कुल, शूटिंग ज्वाइन करिए और जीतिए। और जिस तरह का यहाँ माहौल है, अगले 3-4 दिन बहुत शानदार माहौल होने वाला है, क्योंकि कर्णी सिंह जो है वो बहुत ही बड़ी रेंज है और बड़ी ख्याति प्राप्त रेंज है। रंजन सिंह जैसे कई नाम से शूटर यहाँ से निकल करके आए हैं और देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कैमरन यूके के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।